दोनों ही टीमों के काफी खिलाड़ी अच्छे दिख रहे हैं। मैच भी काफी अच्छा होने वाला है। ये मैच जो कि इस प्रतियोगिता का अंतिम लीग मैच है और ये महनवा के तरफ से रेडर नाम तो नहीं मालूम लेकिन काली पैंट और नीले रंग की टी शर्ट में, कबड्डी में तो फुल पैंट नहीं पहना जाता है लेकिन ये काफी होनहार खिलाड़ी दिख रहे हैं इस समय अपनी टीम के लिए। रेड लगाते हैं, प्लेयरों को छकाते हैं, खाली हाथ वापिस। अब मैं इनसे चाहूंगा कि आप अगर आपके पास हाफ पैंट हो तो आप चेंज कर लिए तो अच्छा होता। फिर से रेडर इन आंसू की तरफ से माने जाने रेडर काफी एंगल इनके पास काफी कलाकारी देखने में काफी अच्छा एंगल और यहाँ पे साथी खिलाड़ी का चाहिए तो नहीं मिला। इस तरह रेडर को मिला निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए दो अंक से खाता खुलता हुआ। इस तरह इन आंसू का स्कोर दो अंकों से खाता खुलाते हैं। सुन लो फिर से भाई रेडर अपनी टीम के लिए काली पैंट और नीले रंग के टी शर्ट में अपने टीम के लिए रेड लगाते हो तभी तक प्लेयर को छा रहे हो लगता है लाइन आउट। सॉरी एक एक टच पॉइंट मत कीजिएगा और एक टच पॉइंट की इसी तरह खाता खुलता हुआ महनवा का भी। महनवा का स्कोर एक इन आंसू का दो। फिर से ये रेडर नीले रंग के टी शर्ट और अपने टीम के लिए और यहाँ पे गलती कर दी ये खिलाड़ी एक ही टूटे अपने टीम के लिए एक अंक इसी एक अंक के सहारे इन आंसू का स्कोर तीन और महनवा का एक काफी अच्छा। और फिर से ये छोटे कद के रेडर अपने टीम के लिए नाम तो नहीं मालूम लेकिन रेड पे इस समय संघर्ष करता हुआ ये फिर से मैं इस रेडर का नाम जानना चाहूंगा सोनू। अच्छा रेडी अच्छा एंगल काफी बेहतरीन तरीके से अपना ये प्रदर्शन काफी अच्छा स्टाइल और काफी बेहतरीन कबड्डी का जो होता है जोर करने का हौसला और भरपूर खिलाड़ी में नजर आता हुआ अपने दिखाता हुआ दर्शाता हुआ खेल के हम भी इस कबड्डी के कुछ मायने रखते हैं। उसी प्रकार ने ये रेडर महनवा की तरफ से रेड लगाते हुए टच का प्रयास अपने टीम के पांडो की दरकार है इस समय। फिर से देखते हैं क्या करते हैं और यहाँ पे डैश करने का प्रयास और निश्चित रूप से ही डैश कर लिए गए और रेडर एक अंक मिलेगा। इस समय इनासो का स्कोर थोड़ा बढ़ता हुआ चार और महनवा का एक। काफी मुश्किल होता है जब दोनों का जोड़ा होता है और रेड पे है सोनू मतलब दोनों का एंगल में अंक चुराना मुमकिन होता है लेकिन रेड पे है इनासो के तरफ से अपने रेडर है सोनू और टच का दावा कर रहे हैं निश्चित रूप से अपने टीम के लिए टच का पॉइंट ले आए और इसी एकांक के सहारे इनासो का स्कोर पांच और महनवा का एक। और इस समय फिर से रेडर नाम तो नहीं मालूम लेकिन महनवा की तरफ से छोटे कप के रेडर लेकिन अपने टीम के लिए कुछ करना होगा खिलाड़ियों को तो का चयन होता है मतलब कबड्डी में जो उसका नियम रूल होता है लेकिन फिर भी खा लिया तो वापिस। और इस समय सुपर टेकल ऑन होगा महनवा की कोर्ट में इसका फायदा उठाना होगा और जैसे छोटा लगे घाव करेगा भी कोई खिलाड़ी अपने आप को दिखाता हुआ दर्शाता हुआ अपनी टीम के निश्चित रूप से दो अंकों की बढ़त बढ़ाना हुआ इसी दो अंक के सहारे महनवा का स्कोर तीन। और फिर से ये खिलाड़ी जैसे मैंने कहा आपसे लेखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर उसी प्रकार करीम अपने साथी खिलाड़ियों को एक अंक दो अंक मिलाया और रिलीज करने में खा लिया वापिस। फिर से देखते सोनू और देखते हैं बैटिंग का प्रयास और एक बार फिर से ये गलती और टेस्ट करना चाहते थे आगे से लेकिन उसको छकाता हुआ रेडर सोनू अपने टीम के निश्चित रूप से एक अंक। इसी तरह स्कोर में बता दूं कि इसको इनासो का स्कोर है 6 और महनवा का 3 तीन अंकों का लीड। इस समय फिर से महनवा की तरफ से रेडर इनासो के कोर्ट में अपना रेड लगाते हैं और सुंदर यहां पे साथी खिलाड़ी और निश्चित रूप से रेडर आउट एक अंक बनता हुआ फिर से इनासो को फिर से सुपर टेकल ऑन है और रेड पे है सोनू अभी अच्छे रेडिंग अपनी टीम के लिए ये खिलाड़ी जिसका नाम है सोनू और सुपर टेकल ऑन है पॉइंटों की दरकार इस समय महनवा को अगर पॉइंट को बढ़त बनाया जाए तो सुपर टेकल ऑन है रेडो को पकड़ते हैं तो दो अंक मिलेगा इसका फायदा उठाना होगा महनवा के डिफेंडरों को। और लेकिन कितने चतुर है रेडर सोनू खाली हाथ वापिस फिर से ये रेडर भारी भरकम छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन भारी भरकम शरीर है बच्चे अपने टीम के लिए कुछ अंक लाते हैं नहीं इधर से उधर प्लेयरों को छकाने में काफी संघर्ष में जारी काफी फुर्तीले और जुदीले लेकिन खाली हाथ वापिस।
अच्छी से थोड़ा करके रेडर और इसी अंदाज में कभी चटाई नहीं आएगा। मैं खूब सुंदर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कैच कर लिए गए, खूब सुंदर अपने खिलाड़ी को दर्शाता हुआ दिखाता हुआ दो अंक किसी दो अंक के सहारे मेहनुआ का थोड़ा तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ पांच और इनासो का सात काफी अच्छा उसे फिर से कर रहे थे वही छोटे करके भारी भारी शरीर अपने टीम के लिए कभी इधर से कभी उधर कुलरों को छकाते हुए छुट्टी भरी देखते हैं टीम के लिए भरकम शरीर लेकिन देर घर में कमयाब फिर से रेड पे सोनू सुपर टेकल आम है जो अंकों के बढ़त बना चुके हैं इसलिए इनासो की टीम अगर अंक बराबर हो जाएगा अगर सोनू को आप लोग डिफेंड कर लेंगे तो लेकिन खूब सुंदर यहाँ पे ये एंगल खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को दिखाता हुआ एक का दावा और मेरा भी एक के सहारे इनासो का स्कोर मेहनुआ का पांच ए दानू एक जगह रुकी है मत मेहनुआ की तरफ से एक जगह रुकी है मत इनासो के कोर्ट में अपना रेड लगाता हुआ बोले शान है इनके लिए और ये देखिए क्या खूबसूरत एंगल क्या जलवा सोनू जो कि रेडर की भूमिका इस समय अपने टीम की ओर से निभा रहे हैं फिर भी खाली हाथ वापस सुपर टेकल कंटिन्यू एक बार फिर से इस बार भी रेड पे है सोनू पिछली बार अपने टीम को एक अंक लेके गए थे देखते हैं इस बार क्या करते हैं और देखते हैं और काफी सुंदर यहाँ पे टच करने का प्रयास कर रहे थे सोनू लेकिन चुके और खाली हाथ वापस यहाँ पे टाइम आउट खिलाड़ी लेते हुए मैं बता दूं कितना टाइम हाफ टाइम में और शेष है।